विजय ने मुझसे कहा कि ये आज के दिन सारा संसार ईस्टर का त्यौहार मनाता है और आज से दो दिन पहले गुड फ्राइडे मनाया गया था। उन्होंने कहा कि मैं इस विषय के ऊपर कुछ प्रकाश डालूं। मुझे लगा कि एक अच्छा आइडिया है, मैं विषय कुछ और लेने वाला था, लेकिन मैंने भी सोचा कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, इन विषयों के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें तो अच्छा लगेगा। तो मैं चूंकि ये दो त्यौहार जिसे सारी दुनिया में मसीही समाज मनाता है उसके बारे में आपके सामने जानकारी रखना चाहता हूँ, तो बाइबल से कई अलग अलग भागों से मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। बस सुन लीजिए, उन सबको निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। मत्ती रचित सुसमाचार, मतलब पवित्र बाइबल का जो उत्तरार्ध है उसकी पहली पुस्तक के 26वें अध्याय में हम इस तरह से देखते हैं, मत्ती 1:26, उसके तीसरे पद में हम देखते हैं प्रधान याजक और प्रजा के जो बुजुर्ग थे वे कैफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से मतलब धोखे से पकड़कर मार डालें। पिछले शुक्रवार को सारी दुनिया में लोगों ने गुड फ्राइडे नाम का त्यौहार मनाया, आज सारी दुनिया में लोगों ने ईस्टर नाम का त्यौहार मनाया। इसकी पृष्ठभूमि प्रभु के वचन में हमको मिलती है, उसमें सारे भाग तो आज सारे पूरी पृष्ठभूमि नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग इतनी पृष्ठभूमि देख लेंगे कि विषय हमको समझ में आ जाए। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने मनुष्य रूप लेकर इस संसार में प्रवेश किया था। उसके पीछे कारण यह था कि आज से 6000 साल पहले अदन की वाटिका में जब मनुष्य ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और मनुष्य पापी हो गया, तब प्रभु ने यह प्रॉमिस दिया था कि प्रभु मनुष्य को जिस शैतान ने धोखा दिया है उस शैतान का सिर कुचलने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजेंगे। 6000 साल पहले वो घटना हुई, उसके बाद 4000 साल के बाद प्रभु मनुष्य रूप में इस संसार में आए। ये जो 4000 साल है, इन 4000 सालों में प्रभु यीशु के संसार में आने के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई। बाइबल में 300 कम से कम 333 बार प्रभु यीशु के आने से पहले कम से कम 333 बार प्रभु यीशु के आने के बारे में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की जो बाइबल में लिखा गया है। ऐसी भी बहुत सारी भविष्यवाणियां थी जो बाइबल में नहीं लिखी गई हैं, जो मौखिक लोगों के बीच में फैल गया था। प्रभु यीशु के युग में एक लेखक हुए प्रभु के बाद, जोसीफस नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने अपने इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि प्रभु यीशु के आने से पहले प्रभु के बारे में 1000 भविष्यवाणियां प्रचलित थीं। तो इस बात को याद रखें कि आज से 6000 साल पहले मनुष्य ने लंघन किया, परमेश्वर ने यह प्रॉमिस किया कि मनुष्य को इस लंघन से बचाने के लिए और शैतान का सर कुचलने के लिए मुक्तिदाता को संसार में भेजेंगे। उस मुक्तिदाता के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई, जिनमें से 333 लिखित रूप में हमारे पास आए और कम से कम 1000 मौखिक रूप से उस जमाने में प्रचलित थे। इस तरह से लोग उस आने वाले उद्धारकर्ता, उस मुक्तिदाता के इंतजार में थे जब ठीक 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने इस संसार में जन्म लिया। प्रभु यीशु के जन्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम जानते हैं। उदाहरण के लिए आपको ये बात याद होगी, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु ने जन्म लिया तो रात के समय कुछ गडरिये
भेड़ों के साथ वहाँ सोए हुए थे, और जब गडरिये भेड़ों के साथ रात के समय भेड़ों की रखवाली करते हुए सो रहे थे, तो अचानक स्वर्ग से स्वर्गदूतों का एक झुंड आया और स्वर्गदूतों ने उन गडरियों को बताया कि देखो, आज इस संसार के मुक्तिदाता इस संसार में एक शिशु के रूप में पधारे हैं, और उस मुक्तिदाता को तुम यदि फलानी जगह जाओगे तो मुक्तिदाता का दर्शन होगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ये गडरिये जैसा उनको बताया गया था वैसा गए और उन्होंने प्रभु यीशु को एक चरनी में पाया। एक्चुअली वहाँ जनगणना हो रही थी, अपन यहाँ पॉपुलेशन गणना करते हैं ना, आजकल तो पॉपुलेशन का हिसाब लेने के लिए लोग घर आ जाते हैं, क्यों, इसलिए कि जो कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना है अब आसान हो गया। उस जमाने में हिसाब यह था कि हर व्यक्ति अपने अपने माँ बाप के गाँव में जाए और वहाँ पर हिसाब लिखाए, तो प्रभु यीशु के माँ बाप यूसुफ और मरियम अपने गाँव में गए हुए थे। सारी जनता जब गाँव में आ गई तो वहाँ रहने की जगह नहीं थी, इसलिए प्रभु यीशु को वहाँ गौशाले में, प्रभु यीशु के माँ बाप को गौशाले में जगह दी गई जहाँ रहते हुए मरियम का प्रसव हुआ, और बालक यीशु जब पैदा हुए तो उनको साफ करके लपेट कर, हम जानते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए घास फूस के बीच में उनको लिटाया जाए रात के समय तो गर्मी से सुरक्षा हो जाती है, इस तरह से प्रभु यीशु वहाँ विश्राम कर रहे थे। तब गडरियों का वो समूह वहाँ पर आया जिन्होंने देखा कि हाँ, स्वर्गदूतों ने जो कहा बिल्कुल वैसा ही प्रभु यीशु कपड़े में लपेटे हुए और वहाँ पर चरनी में पड़े हुए थे। ये तो हुई बात प्रभु यीशु के जन्म की। प्रभु यीशु के जन्म के बाद 30 साल तक वे अपने माँ बाप के साथ रहे। माँ बाप का जो पेशा था, खासकर पिता का पेशा सीखा, पिता की मदद की, उन्होंने अपने जितने धर्म ग्रंथ उस समय उपलब्ध थे उन सब का अच्छा पाठ किया, उन सब का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि उनका ज्ञान इतना ज़्यादा था कि 12 साल की उम्र में अपने धर्म के जो महान से महान जो विद्वान और बहुत ही पंडित लोग थे उनसे जब प्रभु यीशु ने बातचीत की तो पंडित लोग हैरान हो गए कि बाप रे, ये बालक तो सिर्फ 12 साल का है लेकिन हमसे भी ज़्यादा प्रभु के वचन के बारे में जानता है। इस तरह से प्रभु यीशु धीरे 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 बढ़ते हुए 30 साल की उम्र तक जब पहुँच गए तब उनको ये बात समझ में आ गई कि अब मेरा सेवा कार्य आरंभ हो गया है। और जब उनको ये बात समझ में आ गई कि मेरा सेवा कार्य पूरा ये आ गया है तो प्रभु अपने माँ बाप को छोड़कर घर से बाहर निकल गए और जगह 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 जाकर प्रभु का उपदेश देने लगे। जब प्रभु का उपदेश देने लगे तो लोगों को ये बात समझ में आई कि आज तक जितने लोगों ने हमारे जीवन में हमने देखा है और जिनके उपदेश सुने हैं उनसे ये अलग है। क्यों? बड़े अधिकार के साथ उपदेश देते हैं, और उपदेश देते हैं तो हमारा दिल स्पर्श कर जाता है, हमारे दिल छिद जाते हैं और हम गलत कामों को छोड़कर प्रभु की तरफ मुड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस कारण बहुत सारी जनता प्रभु के पीछे हो ली। जब बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे हो लिए तब प्रभु ने उनमें से 12 लोगों को अपने शिष्य के रूप में चुना, जो प्रभु यीशु के 12 मुख्य शिष्य कहलाए। इसके अलावा प्रभु ने और भी बहुत सारे लोगों को चुना था, लेकिन ये 12 हमेशा प्रभु के साथ रहे। इस तरह से प्रभु अपने इन 12 शिष्यों को लेकर, ये मध्य पूर्व की घटना है, ये बात मैं जो आपको बता रहा हूँ, यरूशलेम उसके आसपास प्रभु अपने शिष्यों को लेकर उस सारे प्रदेश में 3.5 साल तक घूमे, और जहाँ भी प्रभु जाते थे वहाँ वहाँ प्रभु की वाणी सुनने के लिए हजारों लोग एकत्रित हो जाते थे। उन हजारों लोगों को प्रभु ने जो बताया उसका सारांश यह है, 1, मनुष्य पापी है, 2, मनुष्य अपने पापों से अपने आप को मुक्ति नहीं दिला सकता, 3,
मनुष्य ने जो पाप किए हैं उसकी सजा है मृत्यु, और इसलिए जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है वो मृत्यु की ओर जा रहा है। सामान्य मृत्यु जो हम देखते हैं वो मृत्यु ही नहीं, इसके बाद जब प्रभु के सामने न्याय होगा और उसको नरक में भेज दिया जाएगा तब शाश्वत मृत्यु भी उसके जीवन में मृत्यु आएगी या मृत्यु आएगा। प्रभु ने लेकिन एक बात और बताई कि देखो पाप की सजा मृत्यु है, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसको मृत्यु की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तुम सबके मृत्यु की सजा बहुत जल्दी मैं अपने ऊपर उठा लूँगा। मैं तुम लोगों के स्थान पर जाकर सूली पर मृत्यु का वारण कर लूँगा, तुम्हारी जगह पर मृत्यु प्राप्त कर लूँगा। इस तरह से प्रभु की शिक्षा थी। उसके साथ प्रभु ने एक दो बातें और बताई। प्रभु ने कहा कि देखो मेरे बच्चों, मैं इस संसार का सृष्टि करता हूँ, मृत्यु के तीसरे दिन के बाद मैं फिर से जीवित हो जाऊँगा और जीवित होकर मैं तुम सबको दर्शन दूंगा। उसके साथ जो सबसे बड़ी बात प्रभु ने बताई थी वो ये थी कि मेरे प्रिय बच्चों, सूली पर मैं चूंकि तुम्हारे लिए मृत्यु ग्रहण करूँगा, इस कारण यदि तुम इस बात को समझ लो कि मैंने तुम्हारे लिए मृत्यु सही है, मतलब पाप के कारण तुमको जो सजा सहनी थी वो सजा मैंने अपने ऊपर उठा ली है, ये बात यदि तुम अच्छी तरह से समझ लो और उसके बाद यदि मेरे पास आकर मुझसे यदि कहो, या तो मुँह जवानी या मन ही मन यदि मुझसे कहो कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं इस बात को समझ गया हूँ कि पाप की सजा मृत्यु है, मैं ये भी समझ गया हूँ कि मेरी मृत्यु को आपने अपने ऊपर सूली पर उठा लिया और आपने चूंकि सूली पर मेरी मृत्यु को वहन कर लिया, मेरी मृत्यु को आपने सहन कर लिया, मेरे बदले आपने मृत्यु सही, इस कारण हे प्रभु आज मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे मुक्तिदाता हैं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, और बच्चों जब तुम इस तरह से प्रार्थना करोगे तो मैं तुमको मुक्ति दूंगा। प्रभु की इस शिक्षा को सुनकर 10,000 लोग प्रभु के पीछे हो लिए, 10,000, और उन्होंने प्रभु की इस शिक्षा को ग्रहण किया। 10,000 कैसे पहुँचे ये संख्या से अपने को पता चलता है, क्योंकि एक घटना में प्रभु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि 5,000 तो पुरुष ही पुरुष थे। यदि एक सभा में 5,000 पुरुष ही पुरुष हैं तो स्त्रियों की संख्या कम से कम उतनी होगी, वैसे धार्मिक सभाओं में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए उस भीड़ की संख्या 10,000 से ज़्यादा रही होगी। बच्चों की संख्या अलग, वो लोग जब लोगों को गिनते थे तो किस के ऊपर के लोगों को गिनते थे तो किस के नीचे के लोग, 5,000 पुरुष स्त्रियां इन सबको मिलाकर जरूर 10,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ एक सभा में उपस्थित थे प्रभु की वाणी को सुनने के लिए। इस तरह से प्रभु की वाणी को सुनने के लिए हर जगह भीड़ इकट्ठी होती थी, प्रभु की वाणी को सुनकर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके अपने जीवन में मुक्ति का अनुभव करते थे। लेकिन जब ये लोग अपने जीवन में मुक्ति का अनुभव करते थे तो उस समाज में एक ऐसा ग्रुप था, लोगों का एक ऐसा झुंड था जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बिल्कुल नहीं पसंद करता था। कौन लोग थे ये? यहाँ जो लिखा हुआ है यहूदी लोगों के पुरोहित महायाजक, ये लोग क्यों पसंद नहीं करते थे? इनकी तो जिम्मेदारी थी कि ये मुक्ति या उद्धार का संदेश लोगों तक पहुँचाए, लेकिन मुक्ति या उद्धार का संदेश लोगों तक पहुँचाने के बदले उस पीढ़ी के या उस समय के जो यहूदियों के याजक और महायाजक थे वे लोग बुरी तरह से जनता को लूटने में लगे थे। मतलब प्रभु ने उनको याजक और महायाजक बनाया जिससे कि वे प्रभु के बारे में लोगों को सुनाएं, लेकिन प्रभु से उनको जो अधिकार मिला था उस अधिकार का उपयोग वे जनता को लूटने के लिए यूज़ करते थे। कैसे लूटते थे?
उनको उनकी जिम्मेदारी थी कि जनता को बताएं कि देखो तुम्हारे लिए मुक्तिदाता पधारने वाले हैं या पधारे हैं, मुक्तिदाता पर विश्वास करो तुमको मुक्ति मिलेगी। इसके बदले वे लोग क्या कहते थे, आओ आओ मंदिर में आओ, दान चढ़ाओ, भेंट चढ़ाओ, बलिदान करो और खूब जम के, मतलब अपना पैसा लुटाओ। ये लुटाए हुआ सारा पैसा उन महायाजकों की जेब में जाता था, महायाजक और उनके जो परिवार थे, एक बड़ा संघ था, उनकी जेब में जाता था। तो इस तरह से प्रभु ने संसार के लिए बिना कीमत के जिस मुक्ति का प्रावधान किया था या अरेंजमेंट किया था, उस मुक्ति को इन लोगों ने बिजनेस में बदल दिया था। लोगों से आकर मुक्ति पाओ कहने के बदले लोगों से ये महायाजक लोग कहते थे, आओ हमारे मंदिर में आओ, दान चढ़ाओ, भेंट चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ और ये हर साल करो, तब कहीं तुमको मुक्ति मिले। जब प्रभु यीशु ने ये घोषणा करना शुरू किया, मेरे पास आओ मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, इसके लिए ना तो दान की जरूरत है, ना भेंट की जरूरत है, ना बलिदान की जरूरत है, ना दक्षिणा देने की जरूरत है, मेरे पास आओ मैं तुमको मुक्ति दूंगा, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति दूंगा। मतलब याजक लोग कहते थे कि हर साल करते रहो तब कहीं होगा, प्रभु ने कहा एक बार विश्वास करो सदा सर्वदा के लिए तुमको मुक्ति मिलेगी। याजकों का धंधा बुरी तरह से चौपट हो गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु वहां मंदिर आए तो वहां तमाम तरह का जो धंधा चल रहा था देखकर प्रभु ने माथा पीट लिया। प्रभु काफी स्ट्रांग और हेल्दी थे, उन्होंने रस्सी से एक हंटर बनाया और मार मार के सबको वहां से बाहर कर दिया कि ये मंदिर है, ये प्रभु का मंदिर है, ये प्रभु का देवालय है, जहां पर आकर हर व्यक्ति को बिना कीमत चुकाए मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रभु जब देते हैं तो मनुष्य से कीमत लेके, घूस लेके नहीं देते, प्रभु बिना कीमत के देते हैं। तो ये याजक लोग और नाराज हो गए, एक तो ये अपनी शिक्षाओं के द्वारा हमारा धंधा चौपट कर रहे हैं और पिछले दिनों आके सबको मार मार के बाहर निकाल दिया, धंधा डबल चौपट हो गया। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इस आदमी की हत्या करना है। प्रभु यीशु को जो सूली दी गई थी उसके पीछे असली घटना यह है कि उस समय के जो याजक और महायाजक लोग थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि डेफिनेटली धोखे से इस व्यक्ति को मरवा डालना है, मतलब जिससे कि हमारे धंधे पर चोट ना आए, इसलिए उन लोगों ने मिलकर यह डिसाइड किया। देखिए जब यहाँ लिखा हुआ है, जब प्रधान याजक और प्रजा के बुजुर्ग लोग कैफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए, आपस में विचार करके कहने लगे कि प्रभु यीशु को धोखे से पकड़वा कर मार डालें। ठीक है, आप कहेंगे कि पकड़ के धोखे से मार डालने में क्या है, वो तो हर जगह प्रचार करते थे, जाओ पकड़ो, ले जाओ, हत्या कर दो। नहीं, जनता जानती थी कि प्रभु यीशु मुक्तिदाता हैं और इसलिए जनता के सामने ये नहीं किया जा सकता था। प्रभु को धोखे से ऐसा पकड़ना था कि किसी को कानों कान खबर ना लगे। क्या किया इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया, ऐसा कौन आदमी है जो प्रभु यीशु को धोखे से रहस्य में पकड़वा सके। इसी पुस्तक के 14वें अध्याय में हम 14वें पद में हम देखते हैं, तब यहूदा नामक, मतलब यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। प्रभु ने जो 12 शिष्य चुने थे उसमें से एक शिष्य दगाबाज था, धोखेबाज था। उसको शिष्यों के हाथ में जो पैसा आता था, मतलब प्रभु यीशु को जो दान लोग देते थे उसमें से भी वो चोरी करता था। चोरी करते 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 उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि जब उसको पता चला कि यहूदी लोग प्रभु की हत्या करना चाहते हैं, तो बहुत ही रहस्य तरीके से जाकर उन्होंने कहा कि मैं पकड़वा दूंगा, जब किसी को कानों कान खबर ना हो मैं पकड़वा दूंगा, तुम क्या दोगे। उन्होंने कहा 30 चांदी के सिक्के दे देंगे। उस जमाने में गुलाम बहुत हुआ करते थे, धनी लोग अपने घरों में गुलाम रखा करते थे। एक गुलाम की कीमत थी 30 चांदी के सिक्के।
मतलब प्रभु की उन लोगों ने जो कीमत लगाई, महज एक गुलाम की कीमत लगाई। और यहूदा इतना धोखेबाज निकला कि कम से कम मोल भाव करता कि अरे भाई, मैं कोई गुलाम थोड़ी तुम्हारे हाथ में पकड़वा रहा हूँ, मैं एक महान व्यक्ति को तुम्हारे हाथ में पकड़वाने जा रहा हूँ, कम से कम 100-200 चांदी के सिक्के तो दो। लेकिन वो इतना उस समय लोभी हो गया कि एक गुलाम की कीमत में प्रभु को पकड़वाने के लिए तैयार हो गया। जनरली गुलाम दे दिया जाता है तब पैसा मिलता है, लेकिन वहाँ जो याजक जो थे, पुरोहित लोग थे, वो समझ गए कि प्रभु के 12 शिष्यों में से ये नंबर वन धोखेबाज है और ये जरूर प्रभु को हमारे हाथ में पकड़वा देगा। तो उन्होंने पैसा एडवांस में उसको दे दिया कि ये ले जा पैसा, अब तू उसे पकड़वा दे। ये है पृष्ठभूमि। फिर क्या हुआ? इसके बाद प्रभु ने अपने शिष्यों को एक साथ एकत्रित करके एक विशेष भोज उनको दिया, जिसको हम प्रभु भोज कहते हैं। प्रभु भोज के समय प्रभु ने कहा, तुम लोगों में से एक मुझे पकड़वाएगा। सब लोग व्याकुल हो गए, लेकिन इसके बावजूद यहूदा टस से मस नहीं हुआ, मैं तो पकड़वाऊंगा। इस भोज के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ रात के समय प्रार्थना करने के लिए एक बगिया में जाते थे, जिसका नाम था गतसमिनी। 36वें पद में हम गतसमिनी नामक बगिया के बारे में देखते हैं। प्रभु अक्सर शिष्यों के साथ वहाँ प्रार्थना के लिए जाया करते थे, तो उस रात भी प्रभु प्रार्थना के लिए अपने शिष्यों के साथ वहीं गए। यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था, जो नंबर वन धोखेबाज था, उसको ये बात निश्चित रूप से मालूम थी कि प्रार्थना के लिए प्रभु वहीं जाएंगे। और चूंकि ये बगिया या ये बगीचा शहर के बाहर था, तो इस कारण उसको इस बात की गारंटी थी कि रात को जब प्रभु वहाँ होंगे, तब सारी दुनिया में किसी को कानों कान खबर नहीं पहुँचेगी। बिजली नहीं होती थी, बिजली का आविष्कार हुए मुश्किल से 100 या 150 साल हुआ है। बिजली के लट्टू का आविष्कार किए 100-150 साल हुआ है। ये आज से 2000 साल पहले की बात है, जब रात को ऐसा अंधकार होता था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता है। उस अंधकार में आप में से जितने लोग गांव से आए हैं सब जानते हैं, गांव में रात के समय एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं कैसा अंधकार हो जाता है। ऐसे अंधकार में किसी को भी पता नहीं चलेगा, वहां जाके प्रभु को पकड़वा देंगे। ये था यहूदा का प्लान। प्रभु गए, प्रभु गतसमिनी गए, वहां जाकर शिष्यों से कहा बैठ जाओ। ये जो अध्याय मैंने आपके सामने रखा है, आज रात को ये अध्याय पूरा पढ़कर देखें, यहाँ सारी घटना विस्तार से दी गई है। प्रभु गए, शिष्यों से कहा यहाँ बैठो, प्रार्थना करो, तुम लोगों के ऊपर बड़ी परीक्षा आने वाली है। परीक्षा कैसे आने वाली है? जब उनका प्रभु पकड़वा दिया जाएगा तो इनकी तो बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। उसके बाद प्रभु तीन शिष्यों को और आगे ले गए, उनसे कहा कि विशेष रूप से प्रार्थना करो। उसके बाद प्रभु और आगे गए और वहाँ बैठकर शक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। किस बात की शक्ति के लिए? सारी मानव जाति के लिए। जाकर सूली पर मनुष्य के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हे पिता, मुझे शक्ति दीजिए। इस तरह से थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने कहा, प्रभु वहां से आए, प्रभु सर्वज्ञानी हैं, सर्व शक्तिशाली हैं। प्रभु जहां प्रार्थना कर रहे थे वहां से शिष्यों के पास आए। 46 पद में हम पढ़ते हैं, उठो, शिष्यों से उन्होंने कहा उठो चलो, देखो धोखे से मुझे पकड़वाने वाला आ गया है। अगले पद में 47, जब प्रभु ये कह रहे थे तभी यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था आया। उसको मालूम था कि प्रभु यहां होंगे, उसको मालूम था कि भयंकर घना अंधकार होगा, उसको मालूम था कि शहर से दूर इस जगह जो घटना हो रही है
जनता को पता नहीं चलेगा, इसलिए धोखे से प्रभु को पकड़कर ले जा सकते हैं। यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के बुजुर्गों की ओर से बड़ी भीड़ तलवार और लाठियां लिए हुए आई। घने अंधकार में धोखेबाज यहूदा ने अपने साथ लाठीधारियों को, तलवारधारियों को मशाल के साथ वो लेकर आया, जिसे अंधेरे ही अंधेरे में वे लोग प्रभु यीशु को पकड़कर ले जा सकें। 48वें पद में लिखा हुआ है, पकड़वाले वाले ने उन्हें ये संकेत दिया था, जिसको मैं चूमूं, जिसको मैं चुंबन दूं, उसी को अरेस्ट कर लेना। ऐसा उसने इसलिए कहा कि उस जमाने में एक दूसरे से लोग मिलते थे, तो आज जिस तरह से नमस्ते करते हैं या शेक हैंड करते हैं, उस तरह से वे लोग चुंबन देकर एक दूसरे का अभिनंदन करते थे। दूसरी बात यह थी कि रात के समय वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती थी, और ज़्यादातर लोग जो चादर ओढ़े हुए हैं उसी चादर को सर के ऊपर भी डाल लेते थे। जिस तरह से हेलमेट लगाए हुए व्यक्ति को आप आराम से उसका चेहरा नहीं पहचान सकते, उसी तरह से इस घने अंधकार में जब कई लोग खड़े हुए, उनमें से कौन यीशु है ये पहचानना मुश्किल है। इसलिए उसने कह दिया कि भैया मैं जिसको आलिंगन और चुंबन करूं वही है प्रभु यीशु, ले जाना, पकड़ ले जाना, और उसके बाद तुम जो करो तुम्हारी बला से, मुझे तो चांदी के 30 सिक्के चाहिए थे, वो मुझे मिल गए। ऐसा ही हुआ, इन लोगों ने प्रभु को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, 57 पद में हम देखते हैं, तब यीशु को धोखे से, यीशु के पकड़ने वाले यीशु को महायाजक के पास ले गए। धोखे से पकड़ा, रात ही रात महायाजक के पास ले गए। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी व्यक्ति की यदि कोर्ट में पेशी होती है तो दिन में होती है, रात को पेशी नहीं होती है। लेकिन उनको प्रभु की हत्या जबरदस्ती करनी थी, इसलिए रातों रात उन्होंने प्रभु की पेशी भी ले ली, न्याय भी कर दिया, जो करना था वो सब कर दिया। फाइनली उस समय जो शासक था, प्रभु को सुबह सुबह शासक के पास ले गए, इस आदमी को मारना है। शासक ने कहा कि कमाल की बात करते हो, इस आदमी में मैं किसी तरह का कोई दोष नहीं पाता और मैं इसको मार डालूं सूली पर। उन लोगों ने उस शासक के ऊपर राजनैतिक दबाव डाला, शासक डर गया, बुरी तरह से डर गया। उसने तुरंत एक नौकर से कहा कि भैया भैया जल्दी से एक थाली पानी लाओ, तो वो जल्दी से एक जग पानी लेके आया, और शासक ने सबके सामने हाथ धो के कहा कि भैया इस आदमी के खून का मैं दोषी नहीं हूँ। मतलब जिस व्यक्ति ने प्रभु का न्याय किया उसने इस बात को पहचाना कि प्रभु निर्दोष है, लेकिन ये याजक और महायाजक ऐसा दबाव डाल रहे थे, शासक ने कहा कि ले जाओ सूली पर चढ़ाओ, कुछ भी करो अपनी बला से, ये आदमी वैसे है निर्दोष। तब जो याजक और महायाजक खड़े थे उन्होंने कहा इसको सूली पर चढ़ाना जरूरी है, यह निर्दोष है, निर्दोष की का खून नहीं करना है, निर्दोष को सूली नहीं देनी है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है, लेकिन ये निर्दोष है और उसको सूली दी जा रही है, उसका खून हम पर और हमारी संतान पर हो। ये उन लोगों ने कहा, प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया। ये अगले अध्याय के, मतलब मत्ती के 27वें अध्याय के 33वें पद में हम देखते हैं, मत्ती 27 के 33 में, उस स्थान पर जो गुलगुथा अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, वहां पहुंचकर 35वां पद, उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु को धोखे से पकड़ा, जनता को पता चले उसके पहले जोर जबरदस्ती न्याय करवा लिया, सूली पर चढ़ाने का आदेश करवा दिया, और सुबह सुबह ले जाके सूली पर चढ़ा दिया। किसके लिए प्रभु ने किया था? मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको मुक्ति देने के लिए किया था।
ऐसा माना जाता है कि यह घटना फ्राइडे को, मतलब शुक्रवार को यह घटना हुई थी, माना जाता है। सही है या नहीं वो छोड़िए, ये हमारा प्रश्न नहीं है। चूंकि ये माना जाता है कि शुक्रवार को प्रभु यीशु को सूली दी गई, और चूंकि उस सूली की मृत्यु के द्वारा प्रभु ने मेरे और आपके उद्धार का रास्ता खोल दिया, इस कारण उस फ्राइडे को गुड फ्राइडे या सर्वश्रेष्ठ फ्राइडे कहा जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो त्योहार जैसे सारी दुनिया मनाती है, 2 दिन पहले बीत गई, उसका मेरे आपके लिए क्या महत्व है? इस महत्व के बाद बारे में बताने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 28वें अध्याय के पहले दूसरे पद में हम देखते हैं। 28वें अध्याय के पहले दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, सबत दिन के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, मतलब संडे मॉर्निंग भोर को मरियम और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा। उसने कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो सूली पर चढ़ाए गए थे ढूंढते हो, वे यहां नहीं हैं। अपने वचन के अनुसार फिर से जीवित हो गए हैं। इसको संडे सुबह मनाया जाता है, इसको कहा जाता है ईस्टर। यस, मतलब जिस दिन प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो गए थे, उसकी यादगार में जो त्योहार मनाया जाता है उसको कहते हैं ईस्टर। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते संसार ने गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाया। उसका मतलब है प्रभु संसार में आए, प्रभु ने हमारे लिए एक महान कार्य किया। यहाँ पर जो चर्च है, ये जो सभा है, हमने गुड फ्राइडे भी नहीं मनाया, ईस्टर भी नहीं मनाया। आप पूछेंगे क्यों? इसके पीछे एक कारण है। जो प्रभु यीशु के वचन को पूरी तरह से जानता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में हर दिन प्रभु मेरे लिए सूली पर चढ़ाए गए, प्रभु मेरे लिए पुनर्जीवित हो गए, हर दिन इस बात को याद करता है, हर दिन इस बात को मनाता है। मतलब साल में 365 में से 2 दिन थोड़ी प्रभु को याद करना है, इसको हम विशेष सी। मैंने इतना बैकग्राउंड आपको बताया, उसके बाद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सुबह जो सत्संग होता है, इसमें ना तो ईस्टर मनाया जाता है ना गुड फ्राइडे मनाया जाता है। क्यों? इसलिए कि प्रभु यीशु को साल में एक बार या दो बार नहीं याद करना है, प्रभु यीशु को प्रतिदिन याद करना है। प्रभु ने सूली पर, प्रभु ने संसार में जो हमारे लिए जन्म लिया, देह धारण किया, प्रभु ने सूली पर हमारे लिए जो जीवन दिया, प्रभु हमारे लिए जो पुनर्जीवित हुए, उसे प्रतिदिन याद करना है। तो इसलिए हम लोगों के लिए तो साल के 365 दिन प्रभु संसार में आए, प्रभु ने सूली पर जीवन दिया, प्रभु पुनर्जीवित हुए, ये बात हम साल के 365 दिन याद करते हैं। आप पूछेंगे याद करते हैं तो शास्त्री सर आज आपने ये सारा डिटेल क्यों बताया? इसलिए कि आज यहाँ इस सभा में जो लोग एकत्रित हुए हैं, इनमें से कई लोग जानना चाहते थे कि इन त्योहारों का क्या मतलब है, इसलिए मैंने मतलब डिटेल में बताया। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग इसके सही मतलब को जानते हैं, जो लोग गुड फ्राइडे और ईस्टर के सही मतलब को जानते हैं, वे लोग इसको साल में 2 बार नहीं, साल में 365 बार दिन भर इस बात को याद करते हैं कि प्रभु मेरे लिए संसार में आए। तो प्रभु ने जो बातें बताई थी उसका सारांश एक बार मैं फिर से आपको बताऊं। मैंने मनुष्य की सृष्टि की, प्रभु यीशु ने जो शिक्षा दी थी उसका सारांश, मैंने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य ने मुझसे अपराध के लंघन किया, लंघन के कारण मनुष्य पापी बन गया, पाप की सजा है मृत्यु, शाश्वत मृत्यु। लेकिन मनुष्य को उस
शाश्वत मृत्यु से छुटकारा देने के लिए मैंने मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में जन्म लिया, जिससे कि मनुष्य रूप में मैं सूली पर जाकर मनुष्य के लिए वो मृत्यु सहन कर सकूं। जिस दिन प्रभु सूली पर चढ़ाए गए थे, उस दिन प्रभु को सूली पर चढ़ाने से पहले उन्होंने एक दवा पिलाने की इच्छा की। उस दवा को पिलाने से आदमी को दर्द का ज्ञान नहीं होता था। प्रभु ने मना किया, बिल्कुल मना कर दिया। प्रभु ने कहा कि मैं पूर्ण ज्ञान के साथ वो दर्द सूली पर मनुष्यों के लिए सहना चाहता हूँ। प्रभु ने सूली पर हमारे लिए वो दर्द सहा। सूली पर प्रभु ने प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस समय मेरे आपके सारे संसार के पापों की सजा उनके ऊपर डाल दी गई। प्रभु ने कहा कि इस तरह से मनुष्य के लिए जब मैं अपना जीवन दे दूंगा, उसके बाद मुझे दफना दिया जाएगा, उसके 3 दिन बाद मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा। जिसका मतलब यह है कि यदि मेरे बच्चे, तुम इस बात को समझो कि मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया है, और समझकर यदि मेरे पास आओ, यदि मुझसे याचना करो कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं आपसे दूर था, आज भी दूर हूँ, लेकिन इस बात को मैं समझ गया हूँ कि आपने मेरे लिए सूली पर अपना जीवन दिया है, और इस कारण आपसे मेरी याचना है, मेरी विनती है कि प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मैं आज आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ। जब कोई व्यक्ति इस तरह से प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में मन ही मन ग्रहण करता है, उस समय प्रभु उसको मुक्ति उद्धार प्रदान करते हैं। वो हमेशा हमेशा प्रभु यीशु की, परमेश्वर की संतान बन जाएगा। इसको नए जीवन का अनुभव या मुक्ति या उद्धार कहा जाता है। आज से 50 से ज़्यादा साल पहले जब मेरे पिताश्री ने ये बात मुझे बताई, उसी जगह मैंने घुटने टेक कर प्रभु का अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। तब से मेरे जीवन में वो मुक्ति है, वो खुशी है, वो नया जीवन है, उस नए जीवन की आशा है जो हम सबके जीवन में होनी चाहिए। तो आज मुझसे जो प्रश्न पूछा गया था, उसका आखिरी उत्तर ये है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपको ये नया जीवन देने के लिए प्रभु इस संसार में आए। प्रभु ने ये सब सहा आपके लिए, मेरे लिए। मैंने तो उसको पा लिया है, आपने पाया है क्या? यदि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं पाया है, तो आज इस सभा के बाद आइए, हमसे बात कीजिए, हम आपको और डिटेल में और विस्तार में ये सारी बातें समझाएंगे। इस सभा में जिन लोगों ने इस मुक्ति को पा लिया है, उनसे मेरा एक अनुरोध है। सारी दुनिया हमेशा एक या दो दिन इन बातों को मना कर बाकी दिन अपनी इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करती है। मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस संसार में रखे गए हैं, इस संसार में जो रखे गए हैं उसके बारे में प्रभु ने 2 आज्ञा दी थी, तुम जगत की ज्योति हो, उस ज्योति के रूप में जीवन बिताना मेरी आपकी जिम्मेदारी है जिन्होंने प्रभु को ऑलरेडी मुक्तिदाता के रूप में पाया है। प्रभु ने ये भी कहा था कि तुम जगत के नमक हो। मैं और आप जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि उनके अंधकार भरे जीवन में प्रकाश दे, उनके स्वाद रहित जीवन को स्वाद से भर दे। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम में से हर व्यक्ति की मदद करें।